हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि जम्मू में इस्टेब्लिश्ड है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के नाम से जाना जाता है। भारत स्वायत्त की एक संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, जहां से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सभी सीटें यहाँ पर परमानेंट हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी है और जो पोस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में निकल कर आया हुआ है। हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन का पोस्ट है, ग्रेड टू का पोस्ट है और ग्रेड टू का दो पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा गया है। वहीं सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर की जो सैलरी है उसमें आप लोगों की जो इंट्री सैलरी है 1,59,100 रुपये पर मंथ की है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर की जो इंट्री सैलरी है वो 1,39,600 रुपये पर मंथ की है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन के लिए जो इंट्री सैलरी है 1,01,500 है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू की जो सैलरी है वो 89,900 रुपये पर मंथ की है और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के लिए ही यहाँ पर एक पोस्ट है जिसमें एंट्री सैलरी आपका 84,700 रुपये के करीब रहने वाला है। यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आया हुआ है वो बिजनेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से मांगा जा रहा है, साथ ही साथ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी एंड इंटरप्रीनरशिप से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट से भी रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट, टीचिंग पोजीशन पर पोस्ट मांगे जा रहे हैं। इंडियन नॉलेज स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट है, आईटी सिस्टम एंड एनालिसिस का पोस्ट है, उसी के साथ साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट का पोस्ट है और एचआरएम का पोस्ट है, ऑपरेशंस एंड स्टडीज़ सप्लाई चैन का पोस्ट है। तो यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। हर डिपार्टमेंट में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे रिलेटेड सब्जेक्ट में आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम जो सैलरी यहाँ पर है उसमें आपके पास पीएचडी होना अति आवश्यक है, मिनिमम 10 साल का आप लोगों के पास पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, टीचिंग रिसर्च इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों का 4 इयर्स पोस्ट पीएचडी से संबंधित, आपको एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आपने वर्क किया हुआ हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लास आप लोगों को 60% मार्क्स के साथ पास आउट जरूरी है तभी आप यहाँ एडमिशन ले पाएंगे। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर का जो पोस्ट है करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 6 इयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस मांगा जाएगा जिसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास यहाँ आप लोगों का मास्टर और ग्रेजुएशन मांगा गया है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट है जिसमें आप मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहां पर पीएचडी मांगा गया है। जो लोग भी रिलेटेड सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर्स हो, बैचलर हो, मास्टर्स हो और पीएचडी उन्होंने किया हुआ हो तो वो एलिजिबल हैं पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर जो ग्रेड टू है उसमें आपका 1 इयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस मांगा गया है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू जिसकी सैलरी 57,000 से स्टार्ट है उसमें भी आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट डेट रखा गया है वो 26 जून 2024 का डेट रखा गया है, 26 जून से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक
पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।